हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में, रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग को होती है, धड़ की धड़कारे की प्रॉब्लम्स काफ़ी लोग को होती है, काफ़ी कॉमन बीमारी है। आज हम बात करेंगे यदि किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो डाइट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने से उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डाइट के क्या प्रिकॉशंस है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें ताकि हम चैनल को कंटिन्यू कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि कैफ़ीन वाली चीज़ें उनको ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स में कैफ़ीन ज़्यादा होता है, कुछ सोडा वगैरह में भी कैफ़ीन ज़्यादा होता है। ये बॉडी में स्टिमुलेंट का काम करता है जिससे धड़कन की प्रॉब्लम बढ़ने का चांस हो जाता है। जिन लोग को भी अगर रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको इस तरह की स्टिमुलेंट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इससे रिदम वाले प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। अगर आपका बॉडी वेट अच्छा है, हेल्दी है और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो तो आपका बट कंपेरेटिवली रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। जो लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं उनको कंपेरेटिवली रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होगा। अगर वजन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादातर पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है कम करने का प्रयास करिए। कम कैसे करेंगे, ताज़ा फल सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए, लेग्यूम प्रोडक्ट्स ज़्यादा लीजिए। ताज़ा फल सब्जी में विटामिन मिनरल ज़्यादा होते हैं, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स कम होता है, तो ये वजन कम करने में मदद करता है। लीन प्रोटीन्स लीजिए या फैट फ्री प्रोटीन्स लीजिए, जैसे कि फैट फ्री मीट्स है, फिश, एग्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है, जैसे कि बीन्स है, लेंटिल्स है, सोयाबीन है, टोफू है। ये सारी चीज़ों को आप लेंगे तो आपका कंपेरेटिवली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा लेकिन बॉडी वेट इतना नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोडियम का इंटेक को कम करिए। सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, फ्लूइड रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से लोगों को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, तो आप सोडियम इंटेक को कम करिए। हेल्दी फैट्स को ज़्यादा लीजिए, जैसे कि नट्स है, एवोकाडोज है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे कंपेरेटिवली लेस सैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आते, तो सारी चीज़ों में आप कंपेरेटिवली इसको अगर ज़्यादा ऑप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। कंपेरेटिवली हेल्दी फैट के सोर्सेज या हेल्दी ऑयल्स के सोर्सेज को अगर आप बाकी स्ट्रैंड्स और सैचुरेटेड फैट्स के बदले यूज़ करेंगे तो अरिथमियाज का चांसेस कम हो जाएगा। इसके अलावा शुगर भी एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ में ना डालें। जो भी चीज़ों में आपका एक्स्ट्रा शुगर जाता है, चाहे वो सोडा या कैफिनेटेड बेवरेजेस हो, जूसेस हो या कोई भी ड्रिंक्स हो जिसमें कि शुगर ज़्यादा जाता है, स्नैक्स है, मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ों में शुगर ज़्यादा जाता है, इसको जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करें। नेक्स्ट है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ों को ज़्यादा लें, जैसे सैल्मन, मैकरल, वॉलनट, शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, तो ये एरिथमिया के चांसेस को कुछ हद तक कम करता है, हार्ट के रिदम में इनका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। हाइड्रेशन इंप्रूव करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। अगर आप अच्छे मात्रा में पानी लेते हैं तो रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। अल्कोहल जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड कीजिए। अल्कोहल अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के अरिथमियाज और रिदम प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है, जहाँ तक पॉसिबल है इसे अवॉइड करेंगे तो हेल्दी रहेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम वाली चीज़ों को ज़्यादा लें। पोटेशियम वाली फूड्स प्रोडक्ट्स है, जैसे कि केला, संतरा यानी ऑरेंजेस, स्पिनाच यानी पालक, पोटैटोस और दही, इसमें पोटेशियम होता है, इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके लिए रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होगा। इसके अलावा मैग्नीशियम वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां हैं, नट्स है, सीड्स है और होल ग्रेन्स है, इसमें भी मैग्नीशियम होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। इसके अलावा मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो, तो ये रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। इसके अलावा जो भी डाइटरी आप प्लान करो, किसी प्रॉपर ट्रेन डाइटिशियन या फिजिशियन के साथ उसको फॉलोअप करें, डिस्कस करें, प्लान आउट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हिसाब से कोई भी डाइट या रेजिमेन आप प्लान करते हो तो गलत होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स को जहाँ तक पॉसिबल हो कम करिए। जो भी कैंड या प्रोसेस्ड फूड्स है, प्री पैकेज फूड्स आते हैं, सॉल्टेड फिशेज है, सॉल्टेड फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ों को जहाँ तक पॉसिबल है कम रखिए। ये फास्ट फूड मटेरियल जो है या प्रोसेस्ड फूड मटेरियल है, इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ज़्यादा होती है जो बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, इससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह वो भी माना जाता है कि हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरह के हर्बल सप्लीमेंट्स को जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। हर्बल सप्लीमेंट्स में कई बार क्या है, उनका कंटेंट पता नहीं होता तो रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। कई पेशेंट्स इस तरह से बोलते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना चालू किया उसके बाद से मेरे को ये होना चालू हो गया, तो वैसी चीज़ों को लेने से पहले थोड़ा कॉशियस रहें, ध्यान रखें तो अच्छा है। इसके अलावा बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को प्रॉपरली ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स बॉडी में प्रॉपर मेंटेन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है।
जितना अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे, जितना अच्छी तरह से हेल्थ को अपने मेंटेन करेंगे, बॉडी के सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड को मैग्नीशियम को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, उतना आपको रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। इसके अलावा खाने समय बहुत ज़्यादा ओवर ईट मत करिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के खाना खाते हैं, तो उससे पेट को और हार्ट को दोनों को स्ट्रेस होता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इससे भी आपका रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स या अरिथमियाज या एक्टोपिक्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं। इसके अलावा स्ट्रेस ओरिएंटेड या इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि डिप्रेशन में आके या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आके भी वो लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस या गलत हैबिट माना जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। तो एज फार एज पॉसिबल स्ट्रेस ईटिंग या ओवर ईटिंग को जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा है। जितना खा रहे हैं उसका एक प्रॉपर फूड डायरी मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। कितना आपने दिन भर में खाया, उसमें क्या क्या चीज़ें खाई, उसको अगर आप डायरी में मेंटेन करेंगे तो आपको अंदाज रहेगा कि क्या चीज़ आपने खाई जिससे आपको एक्टोपिक्स या प्रॉब्लम्स बढ़ गई, कौन कौन सी चीज़ें खाई जिससे आपको कम हो गई। तो आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को बेटर समझ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या होता है कि आप खाना तो खा लेते हो लेकिन 10-15 दिन के बाद या एक महीने के बाद आप ये भूल जाते हो कि इस महीने मैंने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लिया था, इस महीने मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, बार बार पैल्पिटेशंस हो रहे, तो क्या क्या चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा नहीं करी थी। वो आपको अगर आप डायरी एंट्री करके मेंटेन रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा हिसाब रहेगा, उसको आप प्रॉपरली अगले महीने ज़्यादा ध्यान रख पाओगे। अंदाज से अगर आप बैक डेट पर 4 दिन पहले आप क्या खाया था वो भी अगर याद करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा प्रॉपर आपकी मेडिसिन और डाइटरी इंटेक जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। डाइटरी इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको डॉक्टर्स ने दिए हैं, जो मेडिसिन प्रॉपरली दिया है, वो उसको मेंटेन करिए और उसको टाइम टू टाइम लेते रहिए। अदरवाइज जितना आप करोगे डाइट के फॉर्म में वो सब वेस्ट हो जाएगा अगर आप मेडिसिन का डोजेस कोई मिस करना चालू कर दोगे। मेडिसिन प्रॉपरली लीजिए, जहाँ तक पॉसिबल है पानी के साथ मेडिसिन को लीजिए, तो कंपेरेटिवली आपका रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेंटेन रहेगा और अरिथमियाज जो डिहाइड्रेशन रिलेटेड ट्रिगर होती है वो भी कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में मैंने बात की, अगर किसी पेशेंट को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स या अरिथमियाज है तो उनको कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए, किस किन चीज़ों से उनको प्रिकॉशंस को ध्यान रख के रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे फ़ायदा मिलेगा, उस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, ताकि फ्यूचर में भी हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। और अरिथमिया और पैल्पिटेशन रिलेटेड हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया देखने सीखने और जानने को मिलेगा।